नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई एक और काफ़ी शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश कृषि विभाग भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कि कृषि विभाग के द्वारा विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्लाउड कर दिया गया है। जो कि दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती की मुख्य विशेषता यह रहने वाली है कि इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए कोई भी लिखित परीक्षा यानी कि रिटर्न एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों आपका कोई आवेदन शुल्क भी नहीं लगने वाला है। आप सभी बिल्कुल निःशुल्क ही इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपके लिए वेतन भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। दोस्तों, तो यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं एवं अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो सर्वप्रथम आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई कृषि विभाग न्यू भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक करके संपूर्ण जानकारियों को पूरा पढ़ सकते हैं। दोस्तों, तो यदि अब हम सबसे पहले इस वैकेंसी के ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि विभाग की बात करें, तो आप सभी यहां पर देख ही सकते होंगे केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से इस न्यू एवं लेटेस्ट वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है, जो कि आप सभी यहां पर तारीख भी देख सकते होंगे 12/9/2024 यानी कि 12 सितंबर को इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को निकाला गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी का सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू यानी कि केवल इंटरव्यू के माध्यम के जरिए किया जाएगा। इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए कोई भी लिखित परीक्षा यानी कि रिटर्न एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, तो यदि अब हम इसके पश्चात टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी कि पदों की संख्या की बात करें, तो इसकी जानकारी आप सभी इस टेबल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए सबसे पहला पद यंग प्रोफेशनल फर्स्ट का देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें आप सभी का कार्य ऑडिट एंड अकाउंट सेक्शन का रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बता दें, यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% अंकों के साथ बीकॉम की डिग्री या फिर बीबीए या फिर बीबीएस की डिग्री की हुई है और आप सभी के पास कंप्यूटर चलाने का नॉलेज है, तो आप सभी इस पद के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए पर मंथ 30,000 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा और इस पद के लिए आपका इंटरव्यू 23 सितंबर सुबह 10:30 बजे कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए दूसरा पद यंग प्रोफेशनल सेकंड का मिलने वाला है, जिसके अंतर्गत आप सभी का प्रोजेक्ट कार्य CRP ऑन नेचुरल फाइबर के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE, BTech या फिर ME, MTech सिविल इंजीनियरिंग में और RTech इंजीनियरिंग में और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में की हुई है, तो आप सभी इस पद के लिए भी सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपके लिए पर मंथ 42,000 रुपये तक का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा और दोस्तों इस पद के लिए आपका इंटरव्यू 24 सितंबर सुबह 10:30 बजे कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत तीसरा पद आप सभी के लिए यंग प्रोफेशनल IT का देखने के लिए मिलने वाला है, जिसके अंतर्गत आप सभी का प्रोजेक्ट कार्य एग्रीकल्चर नॉलेज मैनेजमेंट का रहने वाला है। यदि दोस्तों आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन को 60% अंकों के साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में की हुई है, तो आप सभी इस पद के लिए भी सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं और इस पद पर चयनित होने के पश्चात आपके लिए पर मंथ 42,000 रुपये तक का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा और इस पद के लिए आपका इंटरव्यू 3 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आयु सीमा की जानकारी भी प्रोवाइड कराई गई है, जिसकी जानकारी आप सभी यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, प्रत्येक पदों के हिसाब से आपकी अलग अलग एज लिमिट निर्धारित की गई है, जो कि यदि आप सभी यंग प्रोफेशनल फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं यदि आप सभी यंग प्रोफेशनल सेकंड पद के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी आयु 21 से लेकर 45 वर्ष के बीच ही देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, वहीं यदि आप सभी रिसर्च एसोसिएट पद के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी आयु सीमा 40 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि मेल एवं फीमेल के लिए अलग अलग रहने वाली है। वहीं दोस्तों, यदि आप सभी साइंटिस्ट रिसर्च फेलो पद के लिए अप्लाई करते हैं,
तो उसके लिए मैन की आयु सीमा आप सभी के लिए 35 वर्ष और वुमेन की आयु सीमा आप सभी के लिए 40 वर्ष तक देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि अप्लाई करने से पहले आप सभी को इन सभी टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों तो आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए आप सभी के लिए किसी भी प्रकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आप सभी के लिए किसी भी प्रकार के फॉर्मेट को डाउनलोड करने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, प्रत्येक पदों के हिसाब से आपकी अलग अलग डेट ऑफ इंटरव्यू का टाइम निर्धारित किया गया है। तो आप सभी के लिए इस तारीख पर सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर प्रदान किए गए नबी बाग बैरसिया रोड भोपाल इस पिन कोड पर आप सभी के लिए पहुंच जाना है। तो यदि आप सभी सफलतापूर्वक इंटरव्यू को निकाल लेते हैं तो आपके लिए इन पदों पर कृषि विभाग के अंतर्गत चयनित कर लिया जाएगा। दोस्तों तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आप सभी के लिए इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई प्रश्न है तो आप सभी हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आपको मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली प्रत्येक ही न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी ऐसे ही सबसे पहले प्राप्त हो सके।